अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू किंग्स फैमिली चैनल। आज मैं आपके साथ ऑरेंज टी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, आप इसको ओवन और विदाउट ओवन दोनों बना सकते हैं। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि ऑरेंज जीस्ट के लिए हम इस तरह ऑरेंज को ग्रेट कर लेंगे। ऑरेंज टी केक के लिए हम यहाँ पर दो अंडे लेंगे। इसको मैं बीटर से बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप इसको नॉर्मल ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। ब्लेंडर में टी केक मैंने पहले बना चुकी हूँ, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में दे दूंगी। हाफ कप हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हम शुगर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर मेल्टेड बटर के ऐड करेंगे। 1/4 कप हम इसके अंदर ऑयल का ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह सिफ्ट कर लेंगे और हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हाफ कप हम इसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी, एक साथ ऐड नहीं करना। बैटर ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो। 1 टीस्पून ऑरेंज जीस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब किसी भी मोल्ड में जिसने आपने केक बेक करना है उसको अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर लगा देंगे। अब जो हमने बैटर रेडी किया था वो ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह डैप करेंगे ताकि जो इसमें एयर है वो निकल जाए। अब हम इसको 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर बेक करेंगे। आप इसको विदाउट ओवन लो फ्लेम पर इसी तरह 40 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं। आफ्टर 40 मिनट्स हमारा केक रेडी है। अब हम इसको फॉइल पेपर से कवर करके रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देंगे। जब केक रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम इसको कट करेंगे। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुआ है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुआ है और खाने में भी ये उतना ही मज़े का होता है। जैसा कि अब ऑरेंज सीजन आने वाला है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।